आगामी 31 दिसंबर को नए साल का जो सेलिब्रेशन होने वाला है उसके लिए सूरत पुलिस ने मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाई है। मैं सभी नागरिकों को इस माध्यम से उस सुरक्षा के व्यवस्था के बारे में जानकारी देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ऐसे मौके पे किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमने जो तैयारी करी है उसमें उस दिन करीब 5 बजे से सूरत की पूरी पुलिस स्टैंड 2 में रहेगी। सभी लोग अपनी अपनी जगह पे तैनात रहेंगे। जहाँ जहाँ लोग नए साल के सेलिब्रेशन के लिए ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होते हैं, खासतौर पर डूमस रोड, वहाँ पर विशेष पुलिस व्यवस्था की गई है। हमने हर साल की तरह इस बार भी 4 पुलिस चौकियाँ बनाएंगे, एक पिपलोद चौकी पर, एक गोवर्धनाथ जी की हवेली के पास में, गोवर्धन जी की हवेली के पास में, एक एसके नगर 4 रास्ता पर और एक लंगर 4 रास्ता पर। नागरिक, कोई भी नागरिक पुलिस की मदद इन चौकियों से ले सकता है। ट्रैफिक व्यवस्था ठीक से रहे उसको ध्यान में रखते हुए हमने जरूरी नोटिफिकेशन इशू की है। डूमस रोड शाम से ही ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा, लोग अपनी गाड़ी वहाँ नहीं ले जा पाएंगे, गाड़ी कहीं दूसरी जगह पार्क करके लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे। कोई अप्रिय घटना ना बने उसको ध्यान में रखते हुए हमने 8 स्पेशल स्क्वाड बनाए हैं, जिसमें हमारे खास ऑफिसर्स गाड़ियों के साथ रेडी पोजीशन में रहेंगे। कहीं कोई अप्रिय घटना होगी तो तात्कालिक हमारा एक दस्ता वहाँ पर पहुँच जाएगा और कार्रवाई करेगा। हम जब नए साल का सेलिब्रेशन करते हैं तो हमारे पास 3 प्रकार की शिकायतें ज़्यादा आती हैं। एक शिकायत शराब और नशे के सेवन की आती है, दूसरी शिकायत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की आती है और तीसरी शिकायत रैश ड्राइविंग की आती है। इन तीनों प्रकार की शिकायतों को दूर करने के लिए या ऐसी घटना ना बने उसके लिए हमारे पुख्ता इंतज़ाम हैं। जहाँ तक शराबबंदी का प्रश्न है, सभी नागरिकों को पता है कि गुजरात में शराबबंदी है। गुजरात सरकार की ये नीति रही है कि शराब के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण हो। हम ये नियंत्रण बनाए रखने के लिए पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं और 31 दिसंबर को भी हमारी चेकिंग चालू रहेगी। कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन ना करे, शराब पी के पार्टियां ना करे, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाए और शराब पी के दूसरे को परेशान ना करे, इसको रोकने के लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे। जहाँ तक महिलाओं की छेड़छाड़ का सवाल है, सूरत और गुजरात महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित जगह है और हमें यही चीज़ को मेंटेन करना है। हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी सेलिब्रेशन करें उसमें किसी महिला, किसी लड़की, किसी बहन को कोई तकलीफ नहीं पहुँचे। अगर किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो तात्कालिक वो पुलिस को 100 पर संपर्क कर सकते हैं और हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जो हमारे फेसबुक पर उपलब्ध है, उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। हम तुरंत पुलिस को भेज के उनकी मदद करेंगे। इस छेड़छाड़ से बचने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो यह है कि जब आप सेलिब्रेशन करने के लिए बाहर जाएं तो ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए हमारी एडवाइस ये है कि हो सके, जहाँ तक हो सके, अपने परिचित ग्रुप में ही सेलिब्रेट करें, या तो अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ या परिचित फ्रेंड सर्कल में सेलिब्रेट करें तो आप अप्रिय घटना से बच सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आप कहीं जाते हैं बाहर तो आपको पता, आपके माँ बाप को, आपके परिचितों को या आपके रिलेटिव्स को पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि कभी भी किसी अजनबी के साथ नहीं जाएं और किसी अजनबी से गाड़ी में लिफ्ट नहीं लें। चौथी चीज़ ये है कि किसी भी शराब, कोई अगर कोई पीने के लिए कोई अपरिचित व्यक्ति आपको पीने के लिए या खाने के लिए कुछ देता है तो वो ना लें, क्योंकि हो सकता है उसमें नशीली चीज़ मिलाई गई हो। इसी तरह से ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो स्मार्टफोन है उसमें जो लोकेशन वाला, GPS वाला जो सेटिंग रहती है वो ऑन होनी चाहिए, जिससे कि आपकी लोकेशन ज़रूरत पड़ने पर पुलिस या आपके रिलेटिव्स को या आपके माँ बाप को पता लग सके।
इसी तरह से अगर किसी महिला को रात के वक्त ऐसा लगता है कि उसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है लेकिन नहीं मिल रहा है, तो हम उनको अपनी पुलिस की तरफ से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। वो 100 पे फ़ोन करेंगे तो हम उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा देने की व्यवस्था करेंगे। सभी नागरिकों से ये भी हमारा निवेदन है कि रैश ड्राइविंग नहीं करें। कुछ लोग उत्साह के अतिरेक में बहुत तेज़ गाड़ियां चला के उत्सव मनाते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे उनको भी नुकसान हो सकता है और दूसरे लोगों को भी एक्सीडेंट में नुकसान हो सकता है। रैश ड्राइविंग को रोकने के लिए अलग-अलग जगह पे हम ट्रैफिक की चेकिंग रखेंगे और उस चेकिंग में अगर कोई पकड़ा गया तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है कि हम जो सूरत की संस्कृति है, जो जो यहाँ का मिजाज है कि हम हर चीज़ बहुत अच्छे से मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, हम वैसे ही करें, लेकिन कायदे का पालन करें और किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाए, इस ढंग से पूरा सेलिब्रेशन करें। अगर आप पुलिस के साथ सहयोग करेंगे तो पुलिस अपना काम और भी अच्छी तरह कर पाएगी। नव वर्ष के उपलक्ष्य में मैं सूरत पुलिस की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ।